नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब वहीं अपने पुराने अंदाज में नजर आ चुके हैं। पुराने अंदाज इन सेंस ऑफ की भाई जो गाने हैं अब बैक टू बैक खेसारी लाल यादव के रिलीज होने वाले हैं और अब कई सारे नए कंपनियों से भी खेसारी लाल यादव के गाने रिलीज होने वाले हैं और उस गाने के इवेंट्स भी रखे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि एक गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शंस के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। एग्रीमेंट पर सुलह होने के बाद पहला खेसारी लाल यादव का इवेंट लॉन्च था, हद कदी राजा जी, जो ग्लोबल म्यूजिक का गाना था। वो गाना ट्रेंडिंग में भी आया था और वो गाना धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ता नजर आ रहा है। तो उस गाने का इवेंट जो है वो लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है इस इवेंट को रखा गया था। तो काफी लोगों का जमावड़ा लगा, काफी क्रिएटर्स और जो रियल स्टार्स हैं वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद बैक टू बैक दूसरा गाना कमर डैमेज, जो गाना कल रिलीज हुआ था, ये गाना आराध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। इस गाने पर भी काफी मिलियन तो पार कर गया था और उससे ज्यादा व्यूज जो है वो गेन कर रहा है। और इस गाने का भी इवेंट लॉन्च रखा गया था, यानी बैक टू बैक दो गाने खेसारी लाल यादव के इवेंट्स का लॉन्चिंग हुआ है। और इस गाने का नाम कमर डैमेज, जो कि बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिहार जो की राजधानी जहां पटना है, अब दोनों तो हो चुका है, अब अगला कहां होगा इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि भारत की राजधानी में होना चाहिए, यानी कि अब जो है खेसारी लाल यादव के कोई गाने आए तो दिल्ली में इवेंट होना चाहिए। और ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अलग अलग जगहों के अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं, अलग अलग जगहों का एक अलग जो है कंटेंट क्रिएटर होते हैं। तो वो अपने जो सहूलियत होता है उसके अनुसार वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अगर अलग अलग जगहों पर इवेंट्स होगा तो जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, जो वहाँ पे लोकल पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर हैं, वहाँ पे रियल स्टार हैं, वहाँ पर जो है वो पहुँच पाएंगे आराम से। तो इससे क्या होगा कि उनको भी फायदा होगा और उनके साथ जो है खेसारी लाल यादव जुड़ेंगे, तो फिर हो सकता है कि खेसारी लाल यादव को भी इससे फायदा हो। तो अलग अलग जगहों के ऑडियंस, अलग अलग जगहों के क्रिएटर्स, अलग अलग जगहों के रील क्रिएटर्स जो हैं वो अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आप एक भी जगह करेंगे तो सेम ही लोग जाएंगे तो फिर आप नए लोगों को ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्प्रेडिंग करना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो गया, आने वाले समय में झारखंड की राजधानी रांची में करिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में करिए और फिर दिल्ली में भी इवेंट्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि अलग अलग शहरों को टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, एक अलग परसेप्शन भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि आई होप सो कि भाई ये वीडियो पहुंचे तो अगला इवेंट दिल्ली में रखा जाए ताकि हम लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाए। और मैं आपने बताया कि बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे कि वहाँ के लोग आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, वहाँ के लोगों के साथ लोग जो है रील बनाएंगे आपके साथ, तो एक नया जो है कहीं ना कहीं एक आपका दायरा जो है वो बढ़ेगा, मुझे लगता है। जहाँ तक बाकी तो टीम मैनेजमेंट का काम है कि कहाँ क्या करना है, लेकिन एक मेरा ओपिनियन था। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली में इवेंट्स होना चाहिए? दिल्ली वालों कमेंट से भर दो, ठीक है।